हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 464 ऑफ इंडियन पिनल कोड विच डील्ड विथ द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 464 जो डील करता है मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, मतलब कौन से सिनेरियो, कौन से एग्जाम्पल्स मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट इस डेफिनेशन में आते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन पर पूछे गए क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 464। सो सेक्शन 464 डील्स विथ अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सो इन सेक्शन 463 वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज मीन बाय फॉर्जरी, एंड नाउ द सेक्शन 464 डील्स विथ अ मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। सो अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फर्स्ट हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। So section 464 says that who is liable for the offense of making a false document. तो किसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया अगर हमको ये देखना है, तो सेक्शन 464 में प्रोविजन है वो हमको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रोविजन है, फर्स्ट हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली मेक साइन सील और एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सो If any person, if any offender with a dishonest intention and with a fraudulently, if he makes, signs, seals or execute a document or a part of any document. So, अगर कोई dishonest intention से या किसी को फंसाने के इरादे से अगर कोई document को बनाता है, कोई document पे signature करता है या कोई document पे seal लगाता है, stamp लगाता है या document को execute करता है, मुझे पता है कि for example मैं जो document बना रहा हूं ये क्या है, this is a forged document, ये जो है जाली document है मुझे पता है, फिर भी मैं किसी को फंसाने के इरादे से वो document बनाऊंगा तो definitely क्या होगा, ये मैं मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए लायबल रहूंगा। अगर मैं, मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट जो ये जाली है अगर मैं उस पर सिग्नेचर करूंगा, उसको ऑथेंटिकेट करूंगा, तो मैं लायबल रहूंगा मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए। तो अगर ऐसा ही अगर मैं सील करता हूं उस डॉक्यूमेंट को, मुझे पता है कि विथ फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर मैं उस डॉक्यूमेंट को साइन करता हूं तो मैं लायबल रहूंगा मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए। सेकंड वन इज मेक्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इफ एनी पर्सन ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विथ अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन विथ अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन देन ही विल बी लायबल फॉर मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो मैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिट करता हूं तो मैं लायबल रहूंगा मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए। अफिक्स एनी डिजिटल सिग्नेचर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अगर मैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ किसी को फंसाने के इरादे से अगर मैं मेरी डिजिटल सिग्नेचर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे फिक्स कर रहा हूंगा तो मैं मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए लायबल रहूंगा। मेक्स एनी मार्क्स डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। क्या कर रहा हूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मुझे पता है कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये किसी और की है और मैं उसको ऑथेंटिकेट करने के इरादे से मैं उसको मार्क कर रहा हूं कि हां ये जो है ये सही पर्सन की डिजिटल सिग्नेचर है, एक ही डिजिटल सिग्नेचर नहीं है वो, लेकिन मैं ऑथेंटिकेट क्या कर रहा हूं कि ये एक ही डिजिटल सिग्नेचर है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो मैं मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए लायबल रहूंगा। With intention of causing it to be believed that such document, electronic record or digital signature was made, signed, sealed, executed, transmitted or affixed by or by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed, executed or affixed. So,
क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट को मैं बता रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट इस पर्सन ने बनाया हुआ है, मुझे पता है कि ये डॉक्यूमेंट उस पर्सन ने बनाया हुआ नहीं है, फिर भी मैं किसी को फंसाने के इरादे से कह रहा हूं कि उसकी सिग्नेचर है, उसने बनाया है, ये कोर्ट का सील है, अगर मैं ये बोल रहा हूं मुझे पता है कि वो कोर्ट का सील नहीं है, वो एक ही सिग्नेचर नहीं है, वो इन्हें बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ अगर किसी को भरोसा दिला रहा हूं कि ये उसी की सिग्नेचर है, ये उसी ने एग्जीक्यूट किया हुआ डॉक्यूमेंट है, तो मैं मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए लायबल रहूंगा। सेकेंडली, हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली अल्टर्स अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आफ्टर इट हैज बीन मेड। और देखिए कि हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली अल्टर्स अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आफ्टर इट हैज बीन मेड। सपोज इफ एनी डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स एंड इफ आई एम अल्टरिंग डिसऑनेस्टली एनी मटेरियल इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, समझ रहे हो कि एक डॉक्यूमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऑलरेडी बन चुका है वो डॉक्यूमेंट, और अब मैं उसमें डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली अल्टरेशन कर रहा हूं, कुछ चेंजेस कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक डेट है, वो डेट को मैंने चेंज कर दिया, तो मैं काहे के लिए मैं लायबल रहूंगा मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। एक फॉर एग्जाम्पल कि कर्ज लिया था मैंने किसी के पास से और वो कर्ज मुझे 15 मार्च को चुकाना था, अब वो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूट हुए हुआ डॉक्यूमेंट है, उस पर 15 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसको क्या किया, उसको अल्टर किया, 15 मार्च की जगह मैंने उसको 15 अप्रैल कर दिया, तो मैं किसके लिए लायबल रहूंगा, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि मैंने उसमें अल्टरेशन किया, चेंजेस किया। थर्डली, हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कॉजेस एनी पर्सन टू साइन, सील, एग्जीक्यूट और अल्टर अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और टू अफिक्स हिज डिजिटल सिग्नेचर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the document or electronic records or the nature of alteration। एक बात ध्यान में रखिए, जो थर्ड पोर्शन है सेक्शन 464 का, वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी पर फ्रॉड करने के हिसाब से किसी पर्सन की सिग्नेचर लेता है या उस डॉक्यूमेंट पे सील लेता है या उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराता है या डॉक्यूमेंट में अल्टरेशन करता है, वो चाहे डॉक्यूमेंट हो या डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर लगवाता है, एंड उसको पता है, नोइंग दैट सच पर्सन बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन cannot or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the document or electronic records or the nature of alteration। अब मुझे for example पता है कि एक पर्सन है जो जिसकी मैं सिग्नेचर ले रहा हूं या जिसकी मैं सील ले रहा हूं, वट एवर इट मे बी, या उसकी डिजिटल सिग्नेचर उस पर अफिक्स कर रहा हूं, मुझे पता है कि वो पर्सन को उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है, ये डॉक्यूमेंट में क्या है उसको पता नहीं है, क्योंकि वो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्योंकि उसको मेंटली वो इनस्टेबल है, इंटॉक्सिकेशन में है, वो नशे की हालत में है, या मैंने उसको फंसाकर उसकी सिग्नेचर ले रहा हूं, उसको उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का सही तरीके से पता ही नहीं है और मैं उसकी सिग्नेचर लेता हूं, तो मैं लायबल रहूंगा मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये सेक्शन 464 में तीन कंसेप्ट है। अब देखिए कि एग्जांपल है, पीटर पिक अप अ चेक ऑन अ बैंकर साइन बाय जॉन पेबल टू बियरर बट विदाउट एनी सम हैविंग बीन इंसर्टेड इन द चेक। तो पीटर ने क्या किया, वो बैंकर से एक चेक उठाया उसने जो कि जॉन ने सिग्नेचर किया हुआ था और वो बी एरर चेक था, है ना, और उस पर कोई अमाउंट इंटर किया हुआ नहीं था। मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें कि जॉन के सिग्नेचर का ब्लैंक चेक पीटर ने बैंक में से उठाया, पीटर फ्रॉडुलेंटली फिल अप द चेक बाय इंसर्टिंग द सम ऑफ 10,000 रुपीज। और पीटर ने, क्योंकि ब्लैंक चेक था, पीटर ने उसमें 10,000 रुपये अपने हाथ से इंटर किया और उसने वो विड्रॉ किया। पीटर कमिट्स फॉर्जरी, पीटर ने क्या किया, पीटर इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। तो पीटर फॉर्जरी के लिए लायबल है क्योंकि ब्लैंक चेक था, उसने अपने हाथ से उसमें पैसा इंसर्ट किया, तो ही विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी।
देखिए रॉबर्ट्स विल कंटेन्स दीज वर्ड्स, रॉबर्ट्स ने विल प्रिपेयर किया और उसके विल में कंटेंट्स क्या थे, आई डायरेक्ट दैट ऑल माई रिमेनिंग प्रॉपर्टी बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन पीटर जॉन एंड डेविड। तो रॉबर्ट ने विल बनाया और विल में यह लिखा कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पीटर जॉन और डेविड में इक्वली डिवाइड हो। ये एक्चुअल विल थी रॉबर्ट की, बट पीटर ने क्या किया, पीटर डिसऑनेस्टली स्क्रैच आउट जॉन्स नेम इंटेंडिंग दैट इट मे बी बिलीव दैट द होल वॉज लेफ्ट टू हिमसेल्फ एंड डेविड। तो पीटर ने क्या किया, पीटर ने इंटेंशनली जॉन का नाम स्क्रैच आउट कर दिया, उसमें से उसका नाम डिलीट कर दिया, मिटा दिया उसका नाम, और ये बताने के इरादे से, उसका इंटेंशन क्या था, ये बताना चाह रहा था वो कि पीटर रॉबर्ट ने जो विल बनाया और जो रॉबर्ट की प्रॉपर्टी है वो पीटर को और डेविड को दोनों को ही मिले, जॉन का इंटेंशनली उसने नाम वहां से डिलीट कर दिया। अब देखिए पीटर हैज कमिटेड फॉर्जरी, तो पीटर ने क्या किया, उसका नाम इंटेंशनली डिलीट किया, तो पीटर फॉर्जरी के लिए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इज देयर, अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फॉर्जरी। तो अगर पर्सन अपना खुद का नाम अगर लिखता है तब भी वो फॉर्जरी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि पर्सन ने अपनी सिग्नेचर नहीं किया, वो अगर अपने नाम से भी अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ हेरा फेरी अगर वो कर रहा है अपना नाम लिखकर, तब भी वो फॉर्जरी के लिए लायबल हो सकता है। लाइक दैट देन एक्सप्लेनेशन सेकंड इज दैट द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन, है ना, किसी फिक्टि इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट वॉज मेड बाय अ रियल पर्सन। तो क्या करने का कि अगर कोई किसी जाली पर्सन के नाम पर अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है और ये भरोसा दिलाने के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट बनाता है कि वो जो नाम है वो रियल पर्सन का नाम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इमेजिनरी नाम ले लिया के सो एंड सो पर्सन राम गोपाल सिंह ऐसा, तो ये जो है ये फिक्टिशियस पर्सन है, ऐसा रियल पर्सन कोई नहीं है, लेकिन मैं उसके नाम से डॉक्यूमेंट बना रहा हूं और सामने वाले पार्टी को ये भरोसा दिला रहा हूं कि राम गोपाल जो है वो रियल पर्सन है, राम गोपाल सिंह रियल पर्सन है। इस इरादे से अगर मैं फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाऊंगा फिक्टिशियस पर्सन के नाम पर और इन द नेम ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इंटेंडिंग इट टू बी बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट वॉज मेड बाय द पर्सन इन हिज लाइफ टाइम, या एक आधा पर्सन की डेथ हो गई उसके नाम से अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और इस इंटेंशन से बनाऊंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसके लाइफ टाइम में उसने बनाया है, एक्चुअल में उसके मरने के बाद मैं उसके नाम से डॉक्यूमेंट बना रहा हूं और ये शो करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि उसने वो डॉक्यूमेंट उसके लाइफ टाइम में बनाया है, तो मैं मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के लिए लायबल रहूंगा। सो इट मे अमाउंट्स टू फॉर्जरी। तो ये फॉर्जरी की ही कंसेप्ट में और डेफिनेशन में आएगा। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, ए साइंस हिज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंटेंडिंग दैट इट मे बी बिलीव दैट द बिल वॉज ड्रॉन बाय अनदर पर्सन ऑफ अ सेम नेम, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग मिसचीफ फॉर्जरी फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। देखिए यहां पर क्या हुआ, ए ने खुद का नाम साइन हिज ओन नेम टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपना खुद का नाम साइन किया उसने, दैट इट मे बी बिलीव दैट द बिल वॉज ड्रॉन बाय अनदर पर्सन ऑफ सेम नेम, और वो किस इरादे से किया कि वो ये महसूस कराना चाहता था कि उसी नाम के ये किसी दूसरे पर्सन ने क्या किया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिग्नेचर किया, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, कौन सा ऑफेंस किया उसने, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फॉर्जरी, तो फॉर्जरी का ऑफेंस उसने किया, क्योंकि अगर मैं खुद का नाम भी लिख रहा हूं, फिर फॉर एग्जांपल मेरा नाम है वसीम, अगर मैं मेरा नाम भी लिख रहा हूं लेकिन किस इंटेंशन से लिख रहा हूं कि इस इरादे से, इस इंटेंशन से कि सामने वाले पर्सन को मैं भरोसा दिलाऊं कि किसी मेरे हम नाम ने, यानी दूसरा पर्सन है वसीम नाम का, उसने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, ऐसा अगर मैं इस इरादे से डॉक्यूमेंट बनाता हूं तो मैं लायबल रहूंगा फॉर्जरी के लिए। सो दिस इज सेक्शन 464। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.